नमस्कार दोस्तों, जाको राखे साइया मार से कहना कोई। मैं डॉक्टर पांडे, साहस होम्योपैथिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं होम्योपैथिक पद्धति से आपको समस्याओं का, रोगों का इलाज बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो समस्या का टॉपिक है वो है प्रोस्टेट गदूद। ये मेल में ही होता है, मेल में पेशाब की नली के ऊपर गदूद प्रोस्टेट होते हैं, पोस्टल ग्लैंड्स होते हैं। तो उसमें एक एज के बाद में 50 ईयर के बाद उसमें गदूद बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशाब रूर के आने लगती है, दो धार वाली पेशाब होने लगती है और पेशाब में बर्निंग, पेशाब में जलन होने लगती है और पेशाब की दुनिया भर की समस्याएं लगती हैं। कभी कभी तो यहाँ तक देखा गया है कि ओल्ड एज में पेशाब पूर्ण रूप से, यूरिन पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। उसके लिए आपको होम्योपैथी मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। एलोपैथिक में तो उसकी सर्जरी है, होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो लगातार लेने से गदूद पोस्टेट ग्लैंड की जो समस्याएं होती हैं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। पर तो आजकल जो देखने को मिल रहा है कि कम उम्र के लोगों को में भी ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में लगातार देखता हूँ कि आजकल खान पान, रहन सहन की वजह से 30 से 35 साल की के एज के मेल में ये समस्या देखने को मिल रही है। चलिए आपको दवाई नोट करवाऊँ। सबसे पहले कोनियम 30 में इस तरह से लेंगे 2 ग्राम की शीशी, इसको 2 ग्राम बोलते हैं हमारे वहाँ, 2 ग्राम की शीशी में गोली में जहाँ भी आप जाएंगे उनसे 2 ग्राम की शीशी में बनवा लेंगे इस तरह से। और जब भी इसको लें इस तरह से हिलाते हुए लें, लगभग ये 7 से 10 दिन 12 दिन तक चलेगी। 4 गोली सवेरे, 4 गोली दिन में, 4 गोली शाम को इसका सेवन करें लगातार, जब तक ये खत्म नहीं आती। इसके बाद इसको नहीं लें। और साथ में सेबाल पेंटागन 20 बूंद सवेरे, 20 बूंद दिन में, 20 बूंद शाम को, आधे कप पानी मिला के लेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट लेंगे। ये सेबाल पेंटागन WSI कंपनी का है, विलमेर स्वाभि इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है और जो मेरे पास में पड़ा हुआ है, मैं लगातार ये देखता हूँ कि लोग उसमें प्राइस के बारे में भी पूछने लगते हैं कि प्राइस नक्सा प्राइस कितनी है। जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो 140 रुपये का है। वैसे होम्योपैथी दवाइयाँ एक्सपायर नहीं होती हैं, फिर भी अब आजकल 5 साल की एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग के बाद 5 साल की एक्सपायरी इसमें दी हुई है। लगातार पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा हर चीज़ें समझ में आए। 20 बूंदें सवेरे, 20 बूंद दिन में, 20 बूंद शाम को, आधे कप पानी में रख लेंगे। कोनियम लेने के बाद हमने कोनियम ले ली, लगभग 7-8 दिन 10 दिन चलेगी। उसके 15 दिन के बाद, मतलब ये ख़त्म होने के 7-8 दिन के बाद में आपने लिए लेनी है इपिटोरियम परफू 30 में, 2 ड्राम मिलेंगे, फिर दोबारा फिर 2 ड्राम मिलेंगे और इसी तरह से वहाँ से बनवा लेंगे, जैसे मैंने पहले बना के दिखाया था आपको, इस तरह से बनवा लेंगे। और इसकी भी 4 गोली सवेरे दिन में शाम को लेंगे लगातार। धीरे धीरे गांठ गलने शुरू हो जाएगी, गांठ गलते गलते यूरिन अच्छी तरह से खुल के आने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में सेबाल पेंटागन लगातार चलते रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।